टीकमगढ़ में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक के श्रीवास्तव के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। यहाँ पर कचरा उठाने के लिए निकल पड़े पूर्व विधायक, वह भी दीपावली के मौके पर। दरअसल उनका आरोप है कि शहर में सफाई व्यवस्था इतनी खराब है कि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, और दीपावली के मौके पर भी नगर पालिका ने कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं, और इसको लेकर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव नगर पालिका अधिकारियों और यहां तक कि अपनी पार्टी के नेताओं पर भी भड़क गए। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका किसी के पाप कर्म के उदय से हम यहां 22 साल बाद हमारी नगर पालिका नहीं बन पाई। भैया रुक जाइए ना, अब नगर पालिका भले ही किसी की बन गई लेकिन शहर की व्यवस्थाएं संभालना, अधिकारी कर्मचारी ये सब तो हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण नैतिक जिम्मेदारी तो हम सब की है। शहर में कचरा नहीं उठ रहा है, नगर पालिका सीएमओ का एक फरमान निकला 21 तारीख में कि जिन वाहनों का रजिस्टर 21 अक्टूबर में यानी तीन दिन पहले, जिस दिन से धनतेरस का त्यौहार शुरू होता है, कि कोई भी ऐसे वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका बीमा नहीं है, वो नहीं चलाए जाएंगे, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था वाले हों चाहे कचरा वाहन हो। वाहन बंद हो गए, कर्मचारी बेचारे अब क्या करें, एक दो वाहनों को लेकर के सफाई कर रहे हैं, पूरा दीपावली के समय पूरा शहर साफ होता है, उस समय और ज़्यादा कचरा निकलता है, उस समय और एक्स्ट्रा वाहन लगाने की जगह इसका तुगलक ही फरमान निकला कि हमें वाहन नहीं चलाना, जबकि एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा वाहन ये सब व्यवस्थाएं की जाती। क्यों भाई, रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? नगर पालिका तो अभी आपके 1.5-2 महीने पहले कांग्रेस की बनी, तुम तो यहाँ 4-3 साल से यहाँ पदस्थ हो। पुरानी नगर पालिका के भी लोगों की जिम्मेदारी थी जो पहले से अध्यक्ष वगैरह बनकर के बैठे थे, तब रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो, तब कैसे चलते रहे वो वाहन? वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है, उसने लिख करके इनको दिया 1 महीने पहले 20 नवंबर को कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ नगर पालिका के जो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन बिना बीमा के चल रहे हैं, कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, इसलिए तत्काल प्रभाव से उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराए जाएं। तो 1 महीने तक कार्रवाई तो नहीं की कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। जैसे ही दीपावली आई, वैसे ही दीपावली के पहले 21 तारीख को वाहन नहीं चलेंगे, ये तुगलकी फरमान घोषित कर दिया। शहर के लोग कैसे परेशान हो, शहर के लोगों को ये पता लग जाए कि नगर पालिका कांग्रेस की बन गई है, इसलिए देखो काम नहीं हो रहा है। भाजपा के लोग बहुत काम करते थे, अरे सीएमओ तो तुम्हारी चहेती बैठी है, सीएमओ तो भाजपा की सरकार तो भाजपा की है, ये किसको बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है? सीएमओ किसके पक्ष में जाएगा? लोग तो समझ रहे हैं, शहर के लोग सब समझ रहे हैं कि जानबूझ करके कांग्रेस की नगर पालिका बनने के बाद अधिकारियों के माध्यम से और यहाँ का एक बड़ा नेता जो परेशान कर रहा है, ये बदतमीजी, ये शहर की लोगों ने पहले विधानसभा में भी 10,000 से हराया, विधानसभा 2018 में 10,000 से हारे, नगर पालिका हम हारे ही हारे हैं, अब और ये कुकृत्य तो ये कुकर्म किए जा रहे हैं जिसके कारण आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़े, इनका तो कोई नहीं, कब कहाँ से बिस्तर बोरिया उठा करके चल देंगे? भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने खून पसीना लगाकर इस पार्टी को सींचा है, उनको ये चिंता है, इसलिए हम आज शहर में निकले हैं कि वाहन लेकर निकले, हमारे 2 ट्रैक्टर आ गए, हमारे लोग आ गए, हमारे कार्यकर्ता आ गए, हम सफाई करने निकले हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेबर भी हमने अपने बुलाए, दीपावली पर भी वेतन नहीं मिला, दैनिक वेतन भोगी हों, सरकारी कर्मचारी हों, वेतन नहीं बनी है, रो रहे हैं। मैंने ये हम 1 तारीख को वेतन देते थे, मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, 1 तारीख को वेतन पहुंचती थी, और अगर दीपावली और पहले आ जाता उसके पहले ही हम वेतन का भुगतान करते थे। हमने भी 5 साल नगर पालिका चलाई, सीएमओ भी हमारे पास राष्ट्रपति पुरस्कृत सीएमओ थे। ये तरीका ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिंता करनी चाहिए कि इतनी मनमानी तो कम से कम नहीं चलने देनी चाहिए उसे सीएमओ की। तुम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेड बन गए हो तो डिस्ट्रिक्ट हेड की जिम्मेदारी है कि वो सारी मुसीबतों को दूर करें, चिंता करें जिला प्रशासन, प्रभारी मंत्री माननीय विश्वास जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी संगठन के लोग, किनके कारण हो रहा है सबको पता है, उन पर अंकुश लगना चाहिए। टीकमगढ़ में 2013 से 2018 तक विधायक रहे हैं के श्रीवास्तव, इसके बाद पार्टी ने इनका टिकट काट दिया था, और अब 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले के श्रीवास्तव एक बार फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व विधायक के श्रीवास्तव तीखे तेवरों के साथ मैदान में है। दिवाली से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है।